हेलो किड्स, वेलकम टू मैथ सेशन। वेलकम टू चैप्टर एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। आज हम लोग एक बहुत अच्छी चीज सीखने जा रहे हैं, डेट इज एक्सपोनेंट्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। आपको मालूम है कि ये जो हम एक्सपोनेंट्स लिखते हैं, वी कैन राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इसका क्या मीनिंग हुआ? यस, जैसे अगर हम लिख रहे हैं 10^-9, सो ये तो हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा है। टू मेक अ वेरी बिग डिजिट या वेरी स्मॉल डिजिट इन अ वे डेट वी कैन इजिली राइट डाउन, वी कैन रीड डाउन। बट यही जो हम लोग, ये जो फॉर्म है, इसी फॉर्म को जो हम दूसरे एक और फॉर्म में लिखते हैं, डेट फॉर्म इज नोन एज स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इसको, इसका मीनिंग क्या है, इसको वेयर डू वी यूज एंड व्हाई डू वी यूज, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट ऑल दीज थिंग्स। सो लेट अस स्टार्ट दिस सेशन एंड जस्ट लुक फॉर दिस। हमारे सामने कुछ डेटा है, लाइक द डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ टू द सन इज, कैन यू रीड दिस डिजिट? क्या हम जानते हैं 1, 10, 100, 1000, 10,000, 10 lakh, 10 lakh crore, क्या है, कितना हम जा लेकर जाएंगे? सो व्हाट डू यू थिंक कि अगर हमें ये बार बार लिखना पड़े, विल बी एबल टू लर्न दीज डिजिट्स एंड विल इट बी कंफर्टेबल फॉर अस टू राइट डाउन सच डिजिट्स? हम जीरो की काउंटिंग करते रह जाएंगे कि हमें कितने जीरो लिखने हैं। और थोड़े से हम एग्जाम्पल देखते हैं, द स्पीड ऑफ लाइट इज आपके सामने ये लिखा हुआ है। तो ये डिजिट हम क्या होता है, हम थाउजेंड्स लैक्स तक हम कंफर्टेबल, हम उन चीजों को पढ़ लेते हैं, हम कर लेते हैं। लेकिन फर्दर वी फाइंड अ बिट डिफिकल्ट। मोर एग्जाम्पल्स, थिकनेस ऑफ क्लास 7th मैथमेटिक्स बुक 20 mm। नेक्स्ट, द एवरेज डायमीटर ऑफ अ रेड ब्लड सेल इज 0.00007 mm। अब कितना डिफिकल्ट है हमें इस टाइप की जो बड़ी डिजिट्स है उनको टू रिमेम्बर, टू राइट इट डाउन, या कभी अगर हमें चेक भी करना पड़ रहा है तो वी विल फाइंड अ डिफिकल्टी इन फाइंडिंग आउट कि कहीं हम चेक करते हुए मिस्टेक तो नहीं कर देते। तो व्हाट इज द अदर वे टू राइट दीज डिजिट्स सो दैट इट इज इजी फॉर अस टू रिमेम्बर, इट इज इजी फॉर अस टू स्पीक आउट। नहीं तो ये डिजिट बोलने में तो हमें कितना एक परेशानी होती है। हाँ, सो टू स्पीक आउट, टू राइट डाउन, टू रिमेम्बर, तो देयर इज अ अदर फैसिलिटी इन मैथमेटिक्स दैट दीज थिंग्स कैन बी रिटन इन डिफरेंट फॉर्म्स। अब थोड़े से और एग्जाम्पल देख रहे हैं। अभी हमने क्या देखे थे, बड़े बड़े एग्जाम्पल देखे थे। अब जैसे देख रहे हैं, द थिकनेस ऑफ ह्यूमन हेयर इज इन द रेंज ऑफ 0.005 to 0.01। अब हम लोग सोचते रह जाएंगे डेसिमल हमने गलत तो नहीं लिख दिया था, है या नहीं है? द डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम द अर्थ इज, ओके आई एम फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू रीड आउट दिस फिगर। आप क्या है, आप पहले 1, 10, 100, 1000 करते हुए जाएंगे, तो डू वी हैव टाइम व्हेन वी आर राइटिंग डाउन द आंसर्स, व्हेन वी आर रीडिंग एनी लिटरेचर रिलेटेड टू इट, टू रीड आउट दीज टर्म्स, दीज वैल्यूज इन अ कंफर्टेबल वे, है या नहीं है? आप बड़े मजे से कह देते हैं मेरे पास 12 पेंसिल्स हैं, या मेरे पास आज 100 टॉफीज हो गई हैं। यू कैन इजिली काउंट फॉर दीज डिजिट्स, बट व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट द डिस्टेंसेस या थिकनेस या थिननेस किसी चीज का, तो हम ये या तो बहुत बड़े बड़े वैल्यूज या बहुत ही माइन्यूट, जैसे अभी हमने हेयर का लिया था एग्जाम्पल कि हेयर जो थिकनेस है, आप देख रहे हैं हेयर की थिकनेस भी हम लोगों ने कैलकुलेट करी हुई है। लेकिन इन सबको लिखना, इन सबको याद करना वी फाइंड अ बिट डिफिकल्ट अगर एज इट इज, अगर हमें लिखना या पढ़ना पड़े। द साइज ऑफ ए प्लांट सेल अगेन, सो दीज आर द नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स जिसमें हम देख रहे हैं कि जो डिजिट्स है उनका समझना करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। अब आपके सामने आ गई एक और चीज, कन्वर्जन टू स्टैंडर्ड फॉर्म। ये जो हमारे पास डिजिट्स हैं, इनको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? आपको मालूम है, अगर मैं इनको लिखना चाहूं
तो देखें 0.000007 को आई कैन राइट 7 अपॉन जितने हमने कितने डेसिमल प्लेसेस है 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 तो आई हैव गॉट 6 डेसिमल प्लेसेस हियर है ना. तो मैं इसको लिख सकती हूँ 7 × 10⁻¹⁰. ओके अभी हम एक्सपोनेंट सीख चुके हैं ना, तो इसको ऐसे लिखते हैं 7 upon 10⁻¹⁶. कैन आई राइट दिस वैल्यू इन दिस फॉर्म? लिख सकते हैं. ओके व्हाट इज द अदर वे आई कैन राइट दिस? इसको मैं लिख सकती हूँ 7 × 10⁻¹⁶. कैन आई राइट इन दिस वे? लगता है लिख सकते हैं, है या नहीं है? यस वी कैन राइट. अब मेरे पास ये डिजिट है. ओके अगर मैं 10 की पार में लिखना चाहूं, हाउ कैन आई राइट? ये ही हम चीज आज सीखने जा रहे हैं. इसको हम अगर हमें सिंपल लिखना है तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 15 × फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. तो 15 × 10⁻¹⁰ एक इस वे में लिख सकते हैं. लेकिन आप ये देख रहे हैं मैंने इसको 15 को मैंने 1.5 में लिखा है. सो यही से हम कॉन्सेप्ट लेंगे कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है उसको हाउ कैन वी राइट. तो यही हमें डिस्कवर करना है कि यहाँ पे हम पार क्या लिखें कि जो हम यहाँ पे वैल्यू देना चाह रहे हैं वी कैन गिव इन दैट फॉर्म. तो वो ही चीज आज हम लोग सीखने जा रहे हैं. सो अब आपका डिस्टेंस कैलकुलेशन है. डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ इज जो हमने वैल्यू देखी थी उसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं 1.496 × 10⁻¹⁰. अर्थ एंड मून का जो डिस्टेंस है उसको अब हम स्टैंडर्ड फॉर्म में वी कैन राइट 3.84 × 10⁸ मीटर. सो जब मैं बोल रही हूं आपको लग रहा है ना इट इज इजी फॉर अस टू स्पीक आउट नाउ दीज वैल्यूज जो अभी हम पढ़ रहे थे 1496000000 हम काउंटिंग चल रही थी जीरोस की. नाउ उसको ही हमने एक शॉर्ट फॉर्म लिया है कि वी कैन राइट इन दिस वे. ये सब कैसे करें धीरे धीरे ऐसे आई विल मूव इन द सेशन आई विल एक्सप्लेन यू हाउ कैन यू चेंज द वैल्यूज इन स्टैंडर्ड फॉर्म. नाउ डिस्टेंस बिटवीन सन एंड मून हमने यहां पे वैल्यू रख दी है, ठीक है. फिर अब इसको अगर आप ध्यान से देखें कि डिस्टेंस बिटवीन सन एंड मून तो हमने पहले क्या है? ये जो हमारे पास ये कैलकुलेशन जो करना है उसका यू जस्ट लुक फॉर द मेथड. हमें मालूम है सन एंड अर्थ का क्या डिस्टेंस है एंड अर्थ एंड मून का क्या डिस्टेंस है. सो इफ वी सब्ट्रैक्ट दीज टू वैल्यूज वी कैन गेट द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड मून कि सन से अर्थ का यह डिस्टेंस है अर्थ से मून का यह डिस्टेंस है. तो अगर दोनों वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देंगे वी कैन गेट द वैल्यू. तो हमने क्या करा 1.496 × 10⁻¹⁰ मीटर को माइनस 3.84 × 10⁸. अब इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? नाउ जस्ट लुक फॉर ये तो वैल्यू आई हैव रिटन इन दिस फॉर्म. मेन क्या है वी कैन सब्ट्रैक्ट दीज वैल्यूज ओनली व्हेन जो इसका जो हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिया है जो 10 की पार ली है दैट शुड मैच. तो हमने इसको मैच करवाने के लिए क्या करा 1000 सेपरेट कर दिया मींस 11 में से हमने 11 जीरोस में से 30 डिक्रीज कर दिए. नाउ वी हैव वैल्यू ऑफ 10⁻¹⁸ और यहां तो हमारे पास 10⁻¹⁸ ऑलरेडी है. सो व्हाट आर वी गोइंग टू डू नाउ 1.496 को अगर हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे व्हाट वैल्यू वी आर गोइंग टू गेट 1496. क्यों अगर आपको नहीं मालूम है तो देखे 1.496 × 1000. सो दिस मींस 1496 1230 लग जाएंगे
थ्री डेसिमल प्लेसेस आर देयर, तो यहाँ पे मैं डेसिमल लगा दूंगी, आई गेट द वैल्यू 1496, तो आई हैव 1496 माइनस 3.84 और कॉमन हमने ले लिया 10 raised to the power 8, सो सब्ट्रैक्ट करके आई गॉट दिस वैल्यू, सॉरी दिस इज 10 raised to the power 8, यहाँ पर पार 8 है, क्लियर हुआ? तो फाइनल आंसर क्या मिला हमें, 1492.16 into 10 raised to the power 8. सो वन मोर थिंग यू हैव लर्न, के आफ्टर यू हैव डन द स्टैंडर्डाइज फॉर्म, हाउ कैन यू डू फर्दर कैलकुलेशन? सो दिस मीन्स इफ वी पुट द एक्सपोनेंशियल फॉर्म, जो भी जीरो का जो भी हमारा 10 का पार है टू बी कॉमन, सो वी कैन टेक दैट पार्ट ऑन द कॉमन साइड एंड कैन डू फर्दर कैलकुलेशन. So these standard form also help us to do calculation in the proper way. अब some examples देखते हैं. Express the following numbers in standard form. Now अब थोड़ा सा मैं यहां पर आपको explain करूंगी how do we convert it in standard form. मेरे पास value है 0.000035. सो स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है तो उसकी रेंज होती है फ्रॉम 1 to 10. मींस जो आप वैल्यू रख रहे हैं वो इट शुड नॉट एक्सीड फ्रॉम 10. तो अगर मैं 35 पूरा लूंगी तो इट विल एक्सीड फ्रॉम 10. सो आई विल पुट अ डेसिमल आफ्टर 3. सो मेरा हो गया 3.5. तो आई हैव गॉट दिस वैल्यू. Now, so this means I am shifting this decimal to this place. So how many places I am shifting the decimal? 1, 2, 3, 4, 5. I am displacing decimal 5 places toward right hand side. So this means main ye jo value hai, isko I can write 3.5 into 10 raised to the power minus 5. क्लियर? नाउ मेरे पास ये वैल्यू है, देयर इज नो डेसिमल एंड आई हैव टू चेंज टू स्टैंडर्ड फॉर्म. मैं क्या करूंगी, मैं 4 के बाद एक डेसिमल लगाऊंगी एंड 0.5 मैंने वैल्यू रख दी. ठीक है, नेक्स्ट अब क्या करेंगे हम लोग? सो आई हैव टू पुट इन पार, सो व्हाट आई विल डू, अब there is no decimal there, मैंने अपनी तरफ से decimal रखा है, so this means 1, 2, 3, 4, 5, 6. कितना आ गया decimal places, आ गई 6 आ गई, तो I will write 10 raised to the power 6. Here was a decimal and I was shifting towards right, तो मैं इसको negative value रख रही हूं क्योंकि this number of decimal places are there. ओके, इन द सेम वे यहां पे बिकॉज आई एम पुटिंग द डेसिमल, तो आई एम टेकिंग द पार टू बी 6 बिकॉज आफ्टर डेसिमल मैंने क्या करा है, 6 प्लेसेस अपनी रखी हैं. क्लियर हुआ? सो इसको जब हम सॉल्व करेंगे देन यू आर गोइंग टू गेट द सेम वैल्यू. मींस आप देखेंगे अगर आप 4.05 को और इतने 1, 2, 3, 4, 5, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट द सेम वैल्यू जो यहां पर आपके पास है. 405, 1, 2, 3, 4, 5, 6 टू प्लेसेस है, आपने यहां पे डेसिमल लगाया, देखें हमें 40 थे, यहां पे 40 है. क्लियर? एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन यूजुअल फॉर्म. अब अगर हमें यूजुअल फॉर्म में लिखना है तो 3.52 इंटू 10 raised to the power 5, तो 3.52 10 raised to the power 5 को 5 zeros. सो अब जो कैलकुलेशन आई हैव शोन यू 352 करके एंड आप क्या करेंगे उसके आगे 5 zeros लिखेंगे. आई जस्ट शो यू 3, 5, 2, 1, 2, 3, 4, 5 टू प्लेसेस के बाद डेसिमल आप यहां पे लगा देंगे, आपका आगे ये वैल्यू 3,52,000.
सेम वे उन्होंने हमसे क्या कहा है यूजुअल फॉर्म में, तो 7.54 10 रेस टू द पावर माइनस 4 है, हम डाउन ले गए 10 रेस टू द पावर 4, 10 रेस टू द पावर 4 मीन्स 10,000। तो अब हमें क्या करना है, इसको नॉर्मल लाना है, तो क्या करेंगे, वी हैव टू शिफ्ट डेसिमल टूवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि अब हम क्या 10,000 से वी आर डिवाइडिंग। तो आपको मालूम है लाइक 6 डिवाइडेड बाय 10 क्या हो जाता है 0.6, 6 डिवाइडेड बाय 100 कितना हो जाता है 0.06। जितने जीरो नीचे होते हैं उतने ही डेसिमल प्लेसेस हम पुट डाउन कर देते हैं। अब आपके सामने एक क्वेश्चन है 3 × 10⁻⁵, इसको कैसे लिख सकते हैं 3 × 10⁻⁵, दिस मीन्स हमें 5 डेसिमल प्लेसेस चाहिए, 1, 2, 3, 4 और फिफ्थ प्लेस आ गई 3, सो 1, 2, 3, 4, 5 5 डेसिमल प्लेसेस है या नहीं है, इट इज सच अ सिंपल थिंग टू सॉल्व। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे, टुडे वी लर्न अबाउट द स्टैंडर्ड फॉर्म, और हमने ये देखा जो स्टैंडर्ड फॉर्म करते हैं इट शुड बी बिटवीन 1 to 10 और बाकी हम डेसिमल वैल्यूज लेते हैं उसके अकॉर्डिंग वी डू द कैलकुलेशन। इन द नेक्स्ट सेशन विल डू सम सम्स रिलेटेड टू द सेम कॉन्सेप्ट। बाय।